अमृता राव ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत सन 2002 ईस्वी में आई मूवी अब के बरस से किया था। इस मूवी में अमृता राव, आर्य बब्बर, आशुतोष राणा, आशीष विद्यार्थी, शक्ति कपूर, डेनी डेजोंगपा थे। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 2003 ईस्वी में अमृता राव की दूसरी मूवी इश्क विश्क रिलीज हुआ। इस मूवी में शाहिद कपूर, अमृता राव, विशाल मल्होत्रा, यश टोंग, सतीश शाह, उपासना सिंह थे। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ 26 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सन 2004 ईस्वी में अमृता राव की तीसरी मूवी मस्ती रिलीज हुआ। इस मूवी में विवेक ओबेरॉय, अफताब शिवदासिनी, अमृता राव, अजय देवगन, जेनेलिया डिसूजा, लारा दत्ता थे। इस फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 34 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2004 ईस्वी में अमृता राव की चौथी मूवी मैं हूं ना रिलीज हुआ। इस मूवी में शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, जायेद खान, अमृता राव, सुनील शेट्टी, नसरुद्दीन शाह थे। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 73 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल अमृता राव की पांचवी मूवी दीवार रिलीज हुआ। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अक्षय कुमार, के मैनन, अमृता राव, तनुजा थे। इस फिल्म का बजट 21 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ 86 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2005 ईस्वी में अमृता राव की छठी मूवी वाह लाइफ हो तो ऐसी रिलीज हुआ। इस मूवी में शाहिद कपूर, संजय दत्त, अमृता राव, अरशद वर्सी, श्वेता प्रसाद, ईशान खट्टर थे। इस फिल्म का बजट 13 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ 17 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल अमृता राव की सातवीं मूवी शिखर रिलीज हुआ। इस मूवी में अजय देवगन, शाहिद कपूर, बिपाशा बसु, अमृता राव, फरहा नाज, मनोज जोशी थे। इस फिल्म का बजट 14 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। सन 2006 ईस्वी में अमृता राव की आठवीं मूवी प्यारे मोहन रिलीज हुआ। इस मूवी में फारदीन खान, विवेक ओबेरॉय, अमृता राव, ऐशा देओल, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा थे। इस फिल्म का बजट 13 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ 61 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसी साल अमृता राव की नौवीं मूवी विवाह रिलीज हुआ। इस मूवी में शाहिद कपूर, अमृता राव, अमृता प्रकाश, आलोक नाथ, अनुपम खेर, समीर सोनी थे। इस फिल्म का बजट 8 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सन 2007 ईस्वी में अमृता राव की 10वीं मूवी अतिथि रिलीज हुआ। इस मूवी में महेश बाबू, अमृता राव, ब्रह्मानंद, नस्सर, मुरली शर्मा, प्रकाश राज थे। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। सन 2008 ईस्वी में अमृता राव की 11वीं मूवी माई नेम इज एंथनी गोंसाल्विस रिलीज हुआ। इस मूवी में निखिल द्विवेदी, अमृता राव, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, मुकेश तिवारी, ऋषिता भट्ट थे। इस फिल्म का बजट 7 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल अमृता राव की 12वीं मूवी शौर्य रिलीज हुआ। इस मूवी में शाहरुख खान, अमृता राव, के मेनन, मनीषा लांबा, राहुल बोस, जावेद जफरी थे। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ 50 लाख रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 24 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल अमृता राव की अगली मूवी वेलकम टू सज्जनपुर रिलीज हुआ। इस मूवी में श्रेयस तलपटे, अमृता राव, रवि किशन, दिव्या दत्ता, इला अरुण, राजेश्वरी सचदेव थे। इस फिल्म का बजट 9 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 2009 ईस्वी में अमृता राव की अगली मूवी विक्ट्री रिलीज हुआ। इस मूवी में हरमन बवेजा, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर, अमृता राव, अरुण बख्शी, स्मिता हई थे। इस फिल्म का बजट 19 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 92 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। इसी साल अमृता राव की अगली मूवी शॉर्टकट रिलीज हुआ। इस मूवी में अरशद वर्सी, अमृता राव,
अक्षय खन्ना चंकी पांडे थे। इस फिल्म का बजट 1,70,00,000 रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 2,20,00,000 रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 2011 ईस्वी में अमृता राव की अगली मूवी लव यू मिस्टर कलाकार रिलीज हुआ। इस मूवी में अमृता राव, तुषार कपूर, राम कपूर, प्रेम चोपड़ा, किरण कुमार, कुणाल कुमार थे। इस फिल्म का बजट 12,00,000 रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 2,45,00,000 रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सन 2013 ईस्वी में अमृता राव की अगली मूवी जोली LLB रिलीज हुआ। इस मूवी में अरशद वर्सी, सौरभ शुक्ला, बोमन ईरानी, अमृता राव, संजय मिश्रा, मोहन कपूर थे। इस फिल्म का बजट 10,00,000 रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 37,00,000 रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी साल अमृता राव की अगली मूवी सिंह साब द ग्रेट रिलीज हुआ। इस मूवी में सनी देओल, अमृता राव, प्रकाश राज, वसी रौतेला, जॉनी लेवर, संजय मिश्रा थे। इस फिल्म का बजट 25,00,000 रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 36,00,000 रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इसी साल अमृता राव की अगली मूवी सत्याग्रह रिलीज हुआ। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, मनोज वाजपेयी, अमृता राव, करीना कपूर थे। इस फिल्म का बजट 73,00,000 रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 91,75,00,000 रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। सन 2019 ईस्वी में अमृता राव की 20वीं मूवी ठाकरे रिलीज हुआ। इस मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अमृता राव, निखिल महाजन थे। इस फिल्म का बजट 31,00,000 रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 25,25,00,000 रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।